बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। और इसके साथ हम टाइम ऑफ फ्लाइट का टॉपिक भी इसी लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये डायग्राम है। हाइट हमारे पास प्रोजेक्टाइल की क्या होगी कि उसने कितने ऊंचाई तक एक वर्टिकल डिस्टेंस को कवर किया है। यहाँ पर भी इसकी मैक्सिमम हाइट नहीं है, ये भी मैक्सिमम हाइट नहीं है। मैक्सिमम हाइट इधर सेंटर में होगी, जहाँ पे जिससे ज़्यादा ऊंचा प्रोजेक्टाइल का मोशन नहीं गया। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। डिटर्मिनेशन ऑफ द हाइट क्या है? वी टेक इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ये हमने लास्ट लेक्चर से ये सारी वैल्यूज ली हैं, ये सारा हमने लास्ट में भी पढ़ा है। वर्टिकल एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, ए वाई इक्वल टू माइनस जी आएगी। वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे ज़ीरो होती है, क्योंकि वहाँ पे बॉल जो भी है, बॉल है या कोई भी चीज़ है, वो वहाँ पे रुक कर उसके बाद मूव करेगी, तो वेलोसिटी उधर ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। टू ए एस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वेयर। वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्सेलरेशन ए वाई, एस की जगह वाई आ जाएगा, और ये वैल्यूज एज इट इज वाई की डायरेक्शन में ले रहे हैं, क्योंकि हमने कहा कि वर्टिकली जो डिस्टेंस उसका मैक्सिमम है, हाइट है ज़मीन से जो उसका डिस्टेंस होगा। तो एक्सेलरेशन इन वाई इज माइनस जी, वाई की जगह एच आ गया, जो हमने फाइंड आउट करना है हाइट। वी एफ वाई स्क्वेयर ज़ीरो है, और वी आई वाई इक्वल हो गया वी आई साइन थीटा स्क्वेयर के। माइनस टू जी एच इक्वल टू माइनस वी आई साइन थीटा स्क्वेयर। हाइट आ गई हमारे पास वी आई स्क्वेयर साइन थीटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू जी, और ये वाला एच इधर अकेला रह गया, तो ये हमारे पास हाइट की वैल्यू बन जाएगी। ये वाला माइनस इस माइनस से सिंप्लीफाई हो गया और हमारे पास हाइट आ गई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि हमारे पास जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट हुआ, अगर फॉर एग्जांपल हम बॉल ले लें, तो बॉल यहाँ पर ज़मीन को टच हो रही थी, जब वो ज़मीन से उठी है, अब वो एयर में है, चाहे वो ये वाला पॉइंट ही क्यों ना हो, यहाँ से जब वो ज़मीन से जस्ट उठी है, एयर में है, वहाँ से यहाँ तक वापस आने तक, ज़मीन को टच होने तक, लास्ट टाइम जब वो एयर में थी, तो वो है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कि वो कितनी देर एयर में रही है। तो द टाइम टेकन बाई बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन टू द प्लेस वेयर इट हिट्स द ग्राउंड एट सेम लेवल इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर एज द बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू सेम लेवल, सो इट कवर्स नो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की बात हो रही है, कितनी देर वो एयर में रही, कितना टाइम ऑफ फ्लाइट बना, ऊपर गई और यहाँ स्टार्ट हुई और एक पॉइंट पे नीचे आई है, तो जस्ट हम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट देखना चाह रहे हैं। इधर एस वाई हमने ज़ीरो ले लिया, उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी हाइट वाली जो टर्म थी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? वी आई साइन थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इस इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे कि एस इक्वल होता है वी आई टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वेयर। सारी ये सिंपल जो इक्वेशन हमारी हैं उनसे हम स्टार्ट ले रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई हमने ले ली, एक्सेलरेशन ए वाई ले ली, ये थी माइनस जी, माइनस जी पुट कर दिया, माइनस इधर आ गया, वी आई वाई इक्वल है वी आई साइन थीटा के। वन बाई टू जी टी स्क्वेयर इक्वल टू दिस, अब एक साइड पे टी ले लेंगे और पूरी वैल्यू को एक साइड पे कर देंगे, टू वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये टी एक रह गया और ये वाला सिंप्लीफाई हो गया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।